देखो, हमारे संप्रदाय में एक संत हुए हैं जिनका नाम है श्री रूप गोस्वामी। सबसे पहले तो संप्रदाय ये शब्द जो बोला, इसकी ही थोड़ी बहुत इसके विषय में सुन लेते। देखो, संप्रदाय की क्या आवश्यकता है। पद्म पुराण में भगवान स्वयं कहते हैं कि संप्रदाय विहीना ये मंत्रास्ते विफला मता, अतः कलो भविष्यन्ति चत्वार संप्रदायना। भगवान स्वयं यह उपदेश दे रहे हैं कि यदि कोई मुझे प्राप्त करना चाहता हो, यदि कोई मेरा भजन करना चाहता हो, तो मैंने क्या किया है, मैंने चार संप्रदाय करे, मैंने चार रास्ते बनाए हैं जिसके थ्रू वो मेरे पास में आ सकता है ना। और चार लोगों को नियुक्त किया कि वो इस संप्रदाय के थ्रू सबको सत शिक्षा देंगे। ठीक, क्योंकि देखो, किसी भी गोल को प्राप्त, किसी भी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए अनेक रास्ते हो सकते हैं, है ना। इसलिए भगवान स्वयं, और जहाँ जाना है भगवान के पास में जाना है, भगवान की सेवा करनी है, भगवत धाम की यदि प्राप्ति करनी है, तो भगवान स्वयं ही कह रहे हैं कि मैंने चार लोगों को नियुक्त किया है जो कि इस विषय में शिक्षा देंगे। क्या है? श्री, ब्रह्म, रुद्र और सनक। भगवान कहते हैं मैंने इन चार लोगों को नियुक्त किया। किस किस को? श्री अर्थात लक्ष्मी जी, उसके बाद में ब्रह्म अर्थात ब्रह्मा जी, रुद्र अर्थात शिव जी, और सनक, सनक अर्थात ब्रह्मा जी के जो चार मानस पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। तो इन चार लोगों से चार संप्रदाय हुए कलयुग के अंदर। हाँ, और भगवान कह रहे हैं कि इन चारों से, ये चार रास्ते को अवलंबन करते हुए, इन चार संप्रदायों का अवलंबन करते हुए यदि कोई भगवत भजन करता है, यदि इनमें कोई मंत्र ग्रहण करके और साधन करता है, तो वो मुझको प्राप्त करेगा। अन्यथा बता रहे हैं कि अन्यथा निष्फला भवे, संप्रदाय विहीना ये मंत्रास्ते विफला भवेत, अतः कलो भविष्यन्ति चत्वारे संप्रदायना। तो इसलिए भगवान ने स्वयं बताया, देखो संप्रदाय तो हर जगह पर ही होगा, आप देखो कहाँ पर संप्रदाय नहीं है। जैसे हम क्लास में जाते हैं, स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, है ना, तो स्कूल में भी हर एक फील्ड का अलग 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 कैटेगरीज होती है। साइंस के बच्चे एक अलग, वो एक अलग संप्रदाय हो गया। संप्रदाय की हम ऐसा नहीं कि हम लोग हमारी मानसिकता को और संकुचित करने की कोशिश कर रहे हैं संप्रदाय का शब्द बोल के, नहीं। संप्रदाय हर जगह पर ही आप देखोगे। संप्रदाय से कोई नैरो मेंटेलिटी वाली बात नहीं है कि आप लोग आपके संप्रदाय की बात कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। संप्रदाय आप हर जगह देखोगे। संप्रदाय मतलब एक कैटेगराइजेशन। तो ऐसी चीज आप हर जगह ही देखोगे। गाय, गाय का एक अपना अलग संप्रदाय है। संप्रदाय कहने का मतलब एक अलग प्रजाति है। कुत्तों, उनका एक अलग संप्रदाय है ना। हर एक चीज में आप देखोगे ये सांप्रदायिकता है ही। तो इसलिए भजन के अंदर भी भगवान स्वयं बता रहे हैं कि यदि इन चार पथ का अवलंबन करते हुए यदि कोई भगवत भजन करेगा तो मुझको प्राप्त कर पाएगा। अभी हम जिस संप्रदाय में हैं, श्री ब्रह्म संप्रदाय, श्री ब्रह्मा जी से हमारा संप्रदाय आरंभ हुआ। भगवान ने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को ये गोपाल मंत्र जो हम जप करते हैं वो ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी से नारद, नारद से व्यास, आगे आगे सुखदेव गोस्वामी, आगे आगे ऐसे होते हुए गुरु परंपरा के थ्रू, और फिर हमारे परम गुरुदेव से गुरुदेव, और गुरुदेव के थ्रू हमें ये भजन पद्धति, भगवत भजन का मंत्र प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए बता रहे हैं इस ब्रह्म संप्रदाय के अंदर एक संत हुए जिनका नाम है श्री रूप गोस्वामी। उन्होंने हम जैसे जीवों की, कलयुग के जीवों की अवस्था देखकर एक बड़ा ही सुंदर ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है उपदेशामृत। उपदेश अमृत, उपदेश, हम किसी को उपदेश करते हैं, किसी को इंस्ट्रक्शन करते हैं, तो सामने वाला बंदा उसको सुन के उसको तो और क्रोध ही आता होगा। जैसे हम उपदेश देना मतलब शासन करना किसी के ऊपर, है ना। किसी ने कुमानो कोई गलत चीज करी, हम उसको शासन कर रहे हैं, हम उसको उपदेश दे रहे हैं। तो उपदेश देने से यद्यपि कोई व्यक्ति प्रसन्न नहीं होता, लेकिन उन्होंने अपने इस ग्रंथ का नाम रखा उपदेशामृत। उपदेश भी अमृत स्वरूप है। हाँ, अब ये उपदेश अमृत स्वरूप क्यों हो सकते हैं, उपदेशामृत क्यों है? तो इसके विषय में कहते हैं, देखो कि यद्यपि ये उपदेश सुनने में लगता है कि हम किसी को उपदेश दे रहे हैं, लेकिन इससे जो परमार्थिक लाभ होगा, परमार्थिक लाभ होगा, वो सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए कह रहे हैं परिणाम क्या होगा वो देखना होगा ना, फलेन परिचयेत, परिणाम क्या हो रहा है। यदि उन्होंने जो उपदेश दिए हैं और उपदेश का हमने पालन किया, तो भगवत भजन हम ठीक ठीक रूप में कर पाएंगे, इस संसार के दुख कष्टों से हमें निवृत्ति मिलेगी, और भगवत भजन करते करते हम श्री राधा गोविंद के चरण कमलों में पहुंच जाएंगे, जहां पर अशोक अभय अमृत परम शांति जिनके चरणों में है, तत्प्रसादा परम शांति। तो इसलिए कह रहे हैं ये उपदेश यद्यपि सुनने में लगेंगे कि ये कड़वे हैं, ये अमृत सदृश नहीं है, लेकिन इनका परिणाम कैसा है? परिणाम निश्चय ही भगवत प्रेम देने वाला है।
इसीलिए कहा उपदेश अमृत, उपदेश अमृत। ये रूप गोस्वामी पाद अभी है कौन? हम लोग सुन रहे थे ना, जब भगवान कृष्ण अपने अपने धाम से इस धरा धाम पर लीला करने के लिए आते हैं, तब सब अपने परिकरों को लेकर आते हैं। राधा रानी, मैया यशोदा, नंद बाबा, दाम श्रीदाम, सारे सखा, सारी गोपियां, सारे बलदाव, सारे अपने परिकरों को लेकर और भगवान इस धरा धाम पर आते हैं। जब भी लीला करते हैं उनका धाम भी अवतरित होता है। इसलिए हम लोग के बांग्ला में कीर्तन है, हम लोग सुबह सुबह करते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, सपार्षद स्वीय धाम सहवतारी। क्या कह रहे हैं? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, सपार्षद स्वीय धाम सह अवतारी। अपने पार्षदों के साथ में, अपने धाम के साथ में स्वयं अवतीर्ण हुए हैं। ये श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में बता रहे हैं। तो ऐसे ही श्रीमद और श्री चैतन्य महाप्रभु है कौन? स्वयं कृष्ण ही है। राधा कृष्ण मिलके और श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं कलयुग के अंदर। तो वो ये जब अवतरित हुए थे तो उन्होंने क्या करे हैं? अपने परिकरों के साथ में, अपने धाम के साथ में आए हैं। तो ये रूप गोस्वामी पाद जो कृष्ण लीला में श्री रूप मंजरी थी, राधा रानी की एक दासी, वो ही क्या है? वो राधा रानी की अत्यंत प्रिय दासी है। तो वो ही क्या है? श्रीमद महाप्रभु की लीला में कृष्ण आए हैं और उनके साथ में सारे परिकर भी आएंगे, राधा रानी की सारी दासियां भी आएंगी। तो वो ही श्री रूप गोस्वामी के रूप में आए हैं, रूप गोस्वामी के रूप में आके और उन्होंने हमें शिक्षा दी किस प्रकार का हमारा भजन आदर्श होना चाहिए। देखो, हमारे लिए एक आइडल की हमेशा जरूरत होती है। पहले भी मैंने बताया इस बारे में कि एक आइडल हमेशा हमको चाहिए, क्योंकि अगर एक आइडल नहीं होगा, कोई भी एक श्रेष्ठ हमारे लिए आचरण करने वाला व्यक्ति यदि नहीं होगा, तो हमें हमें शिक्षा ही नहीं मिलेगी। हम क्या देखेंगे कि सब तो यार हमारे जैसे ही है, क्या करना। लेकिन जब हम देखेंगे कि देखो कितना सर्वश्रेष्ठ आचरण उन्होंने करके दिखाया है, कितना कठोर वैराग्य, कितना कठोर भजन आदर्श उन्होंने अपने जीवन में करके दिखाया है, किसके लिए? वे तो भगवान के परिकर हैं। भगवान के परिकरों को तो ऐसे सब साधन करने की जरूरत नहीं होती। ये साधन तो किसके लिए? हम जैसे बद्ध जीवों के लिए है। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में जो आदर्श करके दिखाया है, उसको ही हम यदि आइडल स्वरूप में मान के और उसका अनुसरण करेंगे, तो फिर कहीं कहीं पर हम प्रोग्रेस कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए उन्होंने अपना जो ग्रंथ लिखा है श्री उपदेश अमृत, उस उपदेश अमृत में पहला श्लोक है, हम वो पहला श्लोक सुनने की आज चेष्टा करेंगे। पहला श्लोक को कहते हैं, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीर सर्वाम अपीमा पृथ्वीम से शिष्यात्। सर्वाम अपीमा पृथ्वीम से शिष्यात्। कह रहे हैं यदि कोई इस पूरे विश्व पर राजत्व करना चाहता है, पूरे विश्व को, सभी को अपना गुरु, सभी को अपना शिष्य बनाना चाहता है, अर्थात सभी को कंट्रोल में रखना चाहता है, तो क्या उसे करना होगा? उसको एक छह प्रकार के वेगों का दमन करना पड़ेगा। या फिर साधारण रूप में यदि समझे कि यदि कोई भगवत भजन करना चाहता है तो उसको ये छह वेग दमन करने पड़ेंगे, छह वेगों का दमन करना पड़ेगा। पहला बताया वाचो वेगम, वाचो वेगम अर्थात वाणी का वेग, वाणी का वेग। हमको जो जो लोगों को बहुत ज्यादा बोलने का अभ्यास है, वाचो वेग, वेग का अर्थ क्या हुआ? वेग का क्या अर्थ? गति, है ना। तो जो ये वेग है, इनको जब तक हम दमन नहीं करेंगे तब तक क्या होगा? यही वेग ही। देखो इस जड़ जगत में भी देख लो और पारलौकिक जगत की तो बात है, दोनों में ही बाधा बनते हैं, है ना। वाचो वेगम के बारे में हमने सुन कितनी बार, गुरुदेव से मुखारविंद से सुना कि द्रौपदी जो महाभारत का कारण हुआ था, क्या एक वाणी तो बोला था ना, अंधे का बेटा, एक वाणी बोली थी मात्र, और उससे क्या हो गया? इतना घमासान युद्ध हो गया, है ना। वाचो वेगम, इसीलिए सीता की उदाहरण हम लोगों ने श्रवण किया है, किस प्रकार जब सीता जी ने लक्ष्मण को कटुवचन बोले, उसी के कारण वे उनको छोड़ के कुटिया में चले गए, पीछे से आके रावण ले गया और रामायण का जो युद्ध हुआ था, है ना, सीता हरण हुआ। तो वाचो वेगम ये इसलिए बता रहे हैं कि वाणी को, ये जीवा जो है ना, इसे बड़े सोच समझ के इंतजार व्यवहार करना चाहिए, है ना। जीवा को बड़ा सोच समझ के इसको व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि यदि एक कटु वचन निकल गया तो उसका परिणाम क्या होगा? जैसे एक धनुष से बाण निकलता है, बाण निकलने पर वो वापस नहीं आ सकता, ऐसे ही वाणी के द्वारा बोला हुआ वचन एक बार जो निकल गया है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका सोच विचार करके इसको बोलना चाहिए,
इसलिए पहला बता रहे हैं वो सबसे पहले कि वाचो वेगम, इस वाणी को दमन करना चाहिए। फिर जिह्वा वेगम, जिह्वा वेगम, जिह्वा वेगम के अंदर क्या बता रहे हैं, इस जिह्वा से जो हमें अलग अलग प्रकार के रस आस्वादन करने का अभ्यास है उसको भी दमन करना पड़ेगा, उसको भी दमन करना पड़ेगा। कि कभी जैसे आज के समय पे तो प्राय बाहर जो देखोगे सारा मार्केट खाने पीने के चीजों से भरा भर रहता है। यहाँ पर देखो ये इतने सारे उपदेश किस लिए दे रहे हैं, क्योंकि यदि कोई भगवत भजन करना चाहता है और उसको यदि ये सारे वेग होंगे, यदि बहुत सारा अच्छा अच्छा खाने की इच्छाएं हैं तो उसी की चेष्टा में ही रत रहेगा। आज चलो उस जगह पर बढ़िया रसगुल्ले मिलते हैं, वहां जाकर खा के आते हैं। आज यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर बढ़िया राज कचौरी मिलती है, यहाँ खाकर आएंगे। तो जिह्वा जिह्वार लालसा जयी इति उति धाय, कहते हैं जो लोग इस जिह्वा की लालसा के कारण इधर उधर भ्रमण करते हैं उसी में ही रत रहते हैं, उसी की उस जिह्वा को संतुष्टि प्रदान करने के लिए ही इधर उधर जब भ्रमण करते रहते हैं, उससे क्या होगा, उसी में ही उसी की चेष्टा में ही रत रहेगा। भगवत भजन करने का समय कब पाएगा, है ना, भगवत भजन कभी कर नहीं सकता। तो इसलिए कह रहे हैं जिह्वा को भी कंट्रोल रखना पड़ेगा, जिह्वा वेगम। उसके बाद में कह रहे हैं उदर वेगम, उदर अर्थात इसका क्या वेग है, बहुत जैसे कुछ खूब खा लेना, खूब खा लेना। तो बता रहे हैं उदर वेगम को क्यों संयम करना पड़ेगा, क्योंकि यदि उदर पूर्ति में ही लगे रह गए, बहुत बढ़िया आज कुछ बढ़िया चीज बनी है, खूब ज्यादा खा लिया, खूब ज्यादा खा लिया, तो उसके बाद भगवत भजन कैसे करोगे, भगवत भजन कैसे करोगे, भजन के लिए बैठ ही नहीं पाओगे, खाते ही तो क्या होगा, बिस्तर ढूंढोगे, है ना, खाते ही तो भैया कहाँ बिस्तर है, यही अवस्था होगी। इसलिए कह रहे हैं उदर वेग, इसको भी नियंत्रित रखना पड़ेगा। फिर जिवा वेगम उदर उपस्थ वेग, उपस्थ वेग अर्थात जनेन्द्रियों का जो वेग है ना, तो इसलिए कह रहे हैं इन सबको दमन करते हुए वाचो वेगम मनस, मनस बता रहे मन का वेग, मन का वेग। देखो भगवान स्वयं कहते हैं कि ये मन ही बड़ा चंचल, अर्जुन ने जब गीता के अंदर भगवान से कहा कि भगवान मेरा ये मन बड़ा चंचल है, चंचला ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़, कि भगवान मेरे मन बड़ा चंचल है, हे कृष्ण मैं क्या करूं, मैं वायु को कंट्रोल कर सकता हूं लेकिन इस मन को करना बड़ा ही दुष्कर है, मन को संयमित रखना, मन को कंट्रोल करना बड़ा दुष्कर है। इसीलिए बता रहे हैं ये मन को स्थिर रखने के लिए, मन को स्थिर रखना पड़ेगा यदि भगवत भजन करने की इच्छा है। हमारे जो परम गुरुदेव, गुरुदेव के गुरुदेव वो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, वो कहते थे कि सुबह उठते ही पहले अपने मन को 100 बार जूती मारो, पैर की जूती निकाल के 100 बार मन को मारो, बोले हे मन तुम आज अपनी गति को नियमित रखो, तुम आज अपनी गति को नियमित रखना, तुम आज इतने चंचल होकर इधर उधर मन धावित होना, तुम क्या करना एकमात्र भगवत भजन के लिए मुझे प्रोत्साहन देना, क्योंकि देखो मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। श्री कपिल मुनि जब अपनी माँ को उपदेश दे रहे थे तो उन्होंने भी यही बात करी कि हे माँ मन एवं मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्ष, कि हे माता ये मन ही क्या है बंधन का और मन ही मोक्ष का कारण है, इसलिए तुम क्या करना इस मन को सत्संग में लगा दो। बड़ा सुंदर उन्होंने उपाय दिया है, कपिल मुनि कहते हैं कि इस मन को यदि तुमने साधु संघ में नियुक्त कर दिया तो ये मन तुम्हारा नियमित रहेगा, मन ही मोक्ष का कारण बन जाएगा, लेकिन यदि इसी मन को संसार में लगा दिया, इसी मन को संसार में लगा दिया तो ये बंधन का कारण बन जाएगा। इसलिए वाचो वेगम मनसा, उसके बाद बोल रहे हैं क्रोध वेगम, क्रोध इसको भी नियंत्रित करने के लिए कह रहे हैं। तो कह रहे हैं इन सब वेगों को यदि कोई दमन करेगा, एतान वेगान यो विषहेत धीर, इनको ऐसा नहीं कि ये वेग आपको परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि ये जड़ शरीर का तो ये नियम है, ये जड़ शरीर का धर्म है कि ये सारे वेग प्रभावित करेंगे ही, लेकिन यदि कोई इनको सहन कर ले विषहेत धीर, यदि कोई धीर व्यक्ति, यदि कोई बुद्धिमान व्यक्ति इन वेगों को सहन कर ले तो क्या होगा, सर्वाम अपिमाम पृथ्वी से शिष्य, तभी वो पूरे विश्व का, विश्व पर विश्व को शिष्य बना पाएगा, उनका गुरु तुल्य हो जाएगा, अर्थात वो पूरे संसार में पूज्य हो जाएगा। ठीक है, सुरीप गोस्वामी पाद यही हमको उपदेश देते हैं पहले श्लोक के अंदर उपदेशामृत में, यदि कोई भगवत भजन करना चाहता हो इन 6 वेगों का दमन करते हुए उसको आगे बढ़ना पड़ेगा। वांछा कल्पतरु वश्य कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।
कृष्ण। हाँ, ये जो श्लोक आप लोगों ने सुना है ये है पहला श्लोक है। उसका जो दूसरा श्लोक है कि अगर भगवान की भक्ति करना चाहते हो कुछ चीज़ को छोड़ना पड़ेगा और कुछ चीज़ को जोड़ना पड़ेगा। कहते कल हम लोग सुन रहे थे क्या हम जोड़े, कल जो सुन रहे थे ना उत्साह निश्चय दर्जा याद है, कौन सुन रहे थे? तत्त कर्म प्रवर्तनात् संगत त्यागात् सत वृत्ति सर्वभि भक्ति प्रस्तुत। कल थे ना तुम लोग क्लास में, कौन बन थे? और एक गोपी कहाँ गई? सॉरी, इसमें कहते अगर भगवान की भक्ति करना तो कभी छह चीज को त्याग देना पड़ेगा। बोले पहला की क्या है? बोले अत्याहार। अत्याहार मतलब होता है बहुत ज्यादा वस्तुओं को संग्रह करना। बात हो रही है, बहुत कुछ वस्तुओं को संग्रह करना। कहते ये भी भक्ति में प्रतिकूल है, ये भी भक्ति में प्रतिकूल बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत ज्यादा संग्रह करने पर क्या होगा? अभी उसको देखना भी तो पड़ेगा ना, उसको तो देखना पड़ेगा। अब देखने के लिए क्या होगा? दिन भर उसके चक्कर में, दिन भर समय तुम्हारी उसमें बर्बाद हो जाएगा है। लेकिन शरीर निर्वाह के लिए जितना जरूरत है उतना भी जरूरत है, संसार के लिए है, संसार के लिए जितना जरूरत उतना जरूरत है। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर इकट्ठे कर लेंगे ना फिर क्या होगा? उसको देखभाल करने के लिए भी समय जाएगी ना है, फिर क्या होगा? उसको देखभाल में सारे समय चले जाएगा। जैसे जो बहुत बड़े बड़े पैसा वाला है, अब जैसे उनको नींद नहीं आती, उनको पता नहीं किसको पास में कितने पैसा, उसने पैसा खा लिया, उसने मार लिया, उसके पास चला गया, अभी तक उसने पैसा दिया ही नहीं। बहुत बहुत ज़्यादा दिमाग में टेंशन है, इसलिए यहाँ पर कहते हैं। लेकिन जितना जरूरत है संसार के लिए, बीवी बच्चे जैसे भक्ति के लिए उतना चीज की जरूरत है, क्यों? काम में भी गड़बड़ी है, काम में अगर होगा भजन नहीं कर सकते, सारा दिन वही चिंता करते रहोगे है। अगर बहुत ज़्यादा हो गया फिर उसमें भी गड़बड़ी। लेकिन इसलिए हमारे रूप गोस्वामी कहते हैं युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य मतलब होता है जितने शरीर निर्वाह के लिए, अपना घर गृहस्थी व भक्ति के लिए जितना जरूरत उतना ग्रहण करो है, उतना ग्रहण करनी चाहिए। इसलिए उससे ज़्यादा ग्रहण के लिए पर समय हमारी नष्ट हो जाएगी है, क्योंकि जो जीवन है ये जो जीवन है बड़े अनमोल जीवन है। भगवान बारंबार ये जीवन को ठाकुर जी नहीं देते हैं, ये तो 84 लाख जन्मों के बाद में ठाकुर जी एक बार दिया। इसलिए इस जीवन को बताए भगवान राम कहते हैं, बोले साधन था मोमक्ष कर द्वारा पाई न जे परलो का सवारा। भगवान कहते हैं अयोध्या वासियों कदि ये मानव शरीर नहीं साधन धाम, मतलब किसी शरीर में ही तुम भगवान की भक्ति कर सकते हो और किसी जीवन में भक्ति कर ही नहीं सकते हो। ये मानव शरीर नहीं करी क्या? बोले मुक्ति कर द्वारा। ये 84 लाख जो भी भटकते भटकते ये मानव शरीर में नहीं मुक्ति के दरवाजा पर तुम आए। एक छोटी कहानी सुन लो। बोले एक समय कोई एक अंधा था तो डंडा टेकते टेकते जा रहा था, एक बहुत बड़ा महल बना हुआ था जिसमें 84 लाख दरवाजा, कितने दरवाजा? 84 लाख दरवाजा। बेचारा अंधा है, उसको दिख नहीं रहा था, वो डंडा टेकते टेकते जा रहा था, करते करते भूल से जो खुला हुआ दरवाजा में कैसे घुस गया, अंदर में घुस गया तो निकल नहीं पाया, क्योंकि उसको तो दिखता नहीं है, दिखता नहीं। उसने इसे हाथ लगाया, बंद, दूसरे दरवाजा बंद, तीसरे दरवाजा बंद, करते 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 अभी वो खुला हुआ दरवाजा में पहुंचा। जब पहुंचा उसने सोचने लग गया, सारे दरवाजा तो मेरे को बंद पड़ा हुआ मिला, ये दरवाजा थोड़ी खुला हुआ, ये भी बंद हुआ होगा। बस वही बड़ा आकर थोड़ा खुजली लग गया, ये खुजलाते खुजलाते बस वहीं से पार हो गया, जो खुला हुआ दरवाजा था ना पार हो गया। पार हो गया तो फिर जो हाथ लगाए ना क्या देखा? फिर बंद है, समझ रहे?
फिर इसका मतलब अंधा हम ही है, हमने भगवान को भूल करके ये संसार में आकर के ये 84 लक्ष जोनि में हम भटक रहे हैं, भटक रहे हैं। अभी सारे दरवाजा बंद, मतलब क्या है कि तो मानव शरीर मिलने से पहले जीव को 84 लक्ष जोनि 80 लक्ष जोनि उसको लाख जन्म उसको भटकना पड़ता है। बोले जलजा 9 लक्ष, पानी को अंदर में 9 लाख बार जन्म लेना पड़ता है, जितने मछली फजली कीड़े मकोड़े हैं और बंगाल इधर उधर जन्म हो गया तो जिंदा जिंदा लेकर के बास काट करके गर्म तेल में जितने से छोंक कर खा लेंगे, इसलिए इसको जलजा स्थावरा लक्ष्मी। कहते ये मिट्टी के ऊपर में कितने सब पेड़ फेड़ जितना सा, कहते कितना, कहते 20 लाख उसमें जितने तरह का सब पेड़ पौधा जन्म है, 73 लक्ष्याणी पर सब, कहते जितने तरह का आप जानवर है हैं, कहते 30 लाख तरह का जानवर है उसको भटकना पड़ता है, मतलब 20 लाख जितने पक्षी है हैं, इसलिए ऐसे करते करते फिर उसको जा करके ये मानव शरीर जाकर उसको प्राप्त होता है। इसलिए भगवान कहते हैं बड़े भाग मान सतन बाबा सुर दुर्लभ सतन रतन गावा, बड़े भाग्य से ये मानव शरीर जीव को एक बार मिलता है। इसलिए कहते हैं वो जितने दरवाजा पर हाथ लगाना सब बंद, बंद मतलब क्या, मानव शरीर के सिवाय प्रभु का कोई भक्ति कर ही नहीं सकता, कोई भक्ति कर ही नहीं सकते, इसलिए दरवाजा बंद, दरवाजा बंद, भगवान का तो भजन नहीं कर सकते, वो कोई उधार तो होगा ही नहीं। ऐसे करते करते अभी खुला हुआ दरवाजा में पहुंचा, यदि ये खुला हुआ दरवाजा किया है बोले मानव शरीर, लेकिन इसी जीवन में प्रभु का भजन करते हुए संसार से पार हो सकता था, लेकिन ये जीवन पाकर के पास वहीं पर आकर खुजलाना शुरू कर सकता, खुजलाना शुरू किया मतलब क्या है, कहते दूसरे दूसरे जीवन में जो जो काम कर रहा था, पहले सुन रहे थे ना हम दिन में 2 काम करते हैं, रात को 2 काम, दिन में 2 रात को 2, बोले दिन में पहला काम किया पैसा संग्रह करो और दूसरा काम परिवार को मेंटेनेंस करो, बोले रात को विश्राम और विश्राम हो, ये 24 घंटा में हम 4 काम, 2 दिन में 2 और रात को 2 काम करते हैं, लेकिन जब हमें ये मानव शरीर मिला हम वही 2 काम भी कर सकते, फिर वही 2 काम में लग गए, पैसा कमाया, संसार भरण पोषण किया, संतान को जन्म दिया, सो गया, खत्म कर दिया, इसलिए वही आकर खुजलात खुजलात मतलब यही काम करते करते ये जीवन खत्म हो गया, जो खुला हुआ दरवाजा में भगवान की भक्ति करके जन्म मृत्यु दुख कष्ट से निकल सकते थे, लेकिन उस चेष्टा नहीं किया, नहीं किया तो खुजलात खत्म, बस फिर कौन सा जीवन है, दरवाजा आएगा बंद दरवाजा, मतलब फिर 84 लाख के जीवन में फिर भटकते रहो। इसलिए कहते जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं भगवान की भक्ति करके संसार से पार हो जाए, संसार का कर्तव्य करे लेकिन ठाकुर को सेवा मान कर करो, पैसा के बगैर कुछ भी नहीं होता है, पैसा कमाओ लेकिन भावना रखो ठाकुर के सेवा के लिए पैसा कमाओ, ये पहले की भावना तुम्हारे मन में रहनी चाहिए, केवल अपना भोग के लिए नहीं पैसा लक्ष्मी ठाकुर के सेवा के लिए पैसा कमाओ है, बच्चे बच्चे किसी ने दिया, ठाकुर ने बच्चे दिए, बच्चे भी ठाकुर थे, ठाकुर के ही बच्चे, मेरे बच्चे सबके सब भक्त हैं, तो घर जिस घर में बच्चे सबके सब प्रभु का भजन करते हैं, कहते समझो वो घर ही वृंदावन धाम, क्योंकि सबके सब प्रभु का नाम कीर्तन कर रहे हैं, प्रभु का भक्ति, अगर भक्ति नहीं करते तो कहते श्मशान भूमि, वो घर नहीं, श्मशान उसको तो भागवत में बताए जैसे जिस बिल में जहरीले सर्प रहते हैं ना, वो घर नहीं बिल है जिसमें जहरीले सर्प रहते हैं जो भजन नहीं करते हैं, जहरीले सर्प रहते हैं, इसलिए घर में अगर सबके सब प्रभु का भक्ति भजन करे बस वही घर ही भगवान की धाम, वही वृंदावन धाम है, इसलिए इसलिए यहाँ पर कहते कोशिश क्या करनी चाहिए, हर चीज को भगवान की सेवा मान करके रोसे बने तो ठाकुर को भोग लग गया, खाने झाड़ू लगाओ तो भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, भगवान की दरबार में ही झाड़ू लगा रहे हैं, पूरा परिवेश ऐसा होना चाहिए, घर की भक्ति के माहौल होनी चाहिए, प्रेम के माहौल, इसलिए यहाँ पर कहते अत्याहार है, अत्याहार मतलब बहुत ज्यादा संग्रह करना, क्योंकि ये भक्ति की प्रतिकूल है, भक्ति की प्रतिकूल है, क्योंकि समय उसमें ही चला जाता है, पूरा जीवन समय उसमें ही चला जाता है, समय भजन के लिए समय नहीं मिलेगा है, समय नहीं मिलेगा, लेकिन जितना जरूरत उतना करो, उससे ज्यादा नहीं करनी चाहिए, भक्त लोग वैष्णव लोग कहते हैं
जैसे हम जीवन में बहुत पैसा कमाया या बहुत, लेकिन प्रभु का भजन नहीं किया, लेकिन जो भक्ति करते हैं अब पैसा कमाते हैं ठाकुर को सेवा के लिए, उसको तो सार्थक करता है। क्यों? हर चीज भगवान की सेवा के लिए। लेकिन जो प्रभु की सेवा नहीं करते हैं, प्रभु की सेवा के लिए जो नहीं कमा करके अपना भोग के लिए कमाते हैं, तो गुरु जी कहते थे जैसे जिंदगी भर तुमने कमाया कमाया, लेकिन लास्ट में जब शरीर छूटता है तो छोड़ कर जाना पड़ेगा ना, सब छोड़ कर गया। जब सब छोड़ कर गया तुम्हारे साथ में कोई भी नहीं गया, कुछ भी नहीं गया। जब कुछ भी नहीं गया छोड़ कर गया, वो जितने पैसा के लिए तुमने समय बर्बाद किया, जितने समय तुमने बिताया, तुम्हारा समय वेस्ट गया कि नहीं, वो समय तुम्हारा नष्ट गया कि नहीं, क्योंकि छोड़ कर गया ना, कुछ तो गया ही नहीं, कुछ तो गया नहीं तेरे साथ में, छोड़ दिया। छोड़ दिया तो जो कमा कर गया तुम बेकार, तुमने सब कमा कर गया। लेकिन प्रभु का भजन तुमने नहीं किया, भक्ति के लिए तुमने समय नहीं दिया प्रभु को, केवल पैसा कमाने कमाने में ही अपना जीवन को बिता दिया है। इसलिए प्रहलाद महाराज बच्चों को एक अच्छी बात समझाते, बोले देखो बच्चों, जीवन में हम जो कुछ करते हैं दो काम के लिए सारे काम करते हैं। कितने काम के लिए? क्या काम? दो काम। दो काम क्या करते हैं? इसलिए जीवन में जो कुछ करते हैं केवल दो काम के लिए। क्या करते हैं? सुख आने के लिए, दुख मतलब दुख ना है। इसलिए केवल दो काम, जितने काम करते हैं दो ही काम है, दुख जाए और सुख आए। अब जो कुछ करते हैं देखना सारे का यही लक्ष्य है, दुख जाए और सुख आए। केवल इसी के लिए 24 घंटा जो कुछ करते हैं इसके लिए, दुख जाए और सुख जाए, दुख जाए और सुख आए। प्रहलाद महाराज कहते हैं बच्चों, भगवान की भक्ति के द्वारा जैसे दुख जाता है सुख आता है, और किसी उपाय के द्वारा ये दुख जाएगा नहीं और सुख तुम्हारी आएगा नहीं। केवल भगवान की भक्ति के द्वारा है जैसे तुम्हारी दुख जाएगा। जैसे दुख का कोई निमंत्रण देता है कोई घर में, कोई देता है उधर दुख आए, मतलब कौन बोलता है दुख आए? कोई नहीं। लेकिन ये बगैर निमंत्रण का आता है कि नहीं? बोला आता है। फिर जब ये दुख बिना निमंत्रण में आता है, जो अगर भाग्य में सुख लिखा हुआ ना वो आएगा, वो कहीं नहीं जाएगा। क्यों? ऑलरेडी तुम्हारे यहाँ लिख गया है, जो आना है ना वो ऑलरेडी लिख गया है, हैं? इसलिए वो आएगा। क्यों? भाग्य में तुम्हारी है, जो भाग्य में तुम्हारी वो आएगा, कहीं जाएगा नहीं। तो प्रहलाद महाराज कहते देखो जो तो प्रयास तथा आयु भय कर, वो कहते हैं भगवान की भक्ति को द्वारा जैसे तुमको शांति सुख मिलेगा दुख जाएगा और कोई उपाय है नहीं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर समझ लो, आपका शरीर में अभी फोड़ा हो गया, जब एक जगह फोड़ा हो गया आप ऑइंटमेंट ला करके उसको अगर मलम पट्टी करोगे ना, आप देखना वो फोड़ा फिर दूसरे जगह पर, वहां पर मलम पट्टी कर दो देखना वो फोड़ा फिर तीसरे जगह पर निकलेगा। जितना करो सारा शरीर में फोड़ा फोड़ा निकलते रहेगा, लेकिन उसका जड़ को देखो, ये फोड़ा हुआ कि ये जड़ को देखो क्यों फोड़ा हो गया, क्योंकि तुम्हारा जो ब्लड है वो खराब है, इसलिए तुम्हें ये फोड़ा आ रही है। अगर वो जड़ को सही नहीं करके केवल ऊपर से मलम पट्टी करते रहोगे ना, सारा शरीर में फोड़ा तुम्हारे निकलता रहेगा, लेकिन अगर ब्लड को सही कर दो ना, प्योर कर दो ना, वो अपने आप तुम्हारी फोड़ा अपने आप सही हो जाएगा। प्रहलाद महाराज ये समझा रहे हैं। अभी कहते हैं दुख का कारण क्या है, जड़ को पकड़ो, जड़ को पकड़ो, ये दुख का कारण क्या? बोले दुख का कारण है, कृष्ण कहते हैं, कहते भयम विद्या विनिवासत अपेद विपर्जय स्मृति। महाप्रभु कहते हैं कृष्ण बोले सही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे देह संसार दुख। जितने दुख का जड़ है, हमने भगवान को छोड़ दिया, भगवान ने भक्ति छोड़ दिया, छोड़ करके माया को भोग करने हम चाहा, इसलिए भगवान की बहिरंगा शक्ति माया ने बोले मेरे को छोड़ करके संसार भोग कर, देख ले संसार, जा जा करके देख ले, मेरी सेवा नहीं चाह रहे हो, मेरे भक्ति नहीं चाह रहे हो, दुनिया चाह रहे हो, देख ले दुनिया क्या है। बाद संसार आए तो माया डंडे के ऊपर डंडे मारना शुरू कर दिया, डंडे के ऊपर डंडा मारना शुरू कर दिया माया, है तरह तरह का दुख कष्ट देती है, है? इसका जड़ क्या है? चूंकि भगवान को भूल गए, इस सारे जड़ का मूल मूल यही भगवान खुद कहते हैं, चूंकि प्रभु का भक्ति भजन सेवा भूल गए, इसलिए माया ने क्या किया, संसार रूपी कारागार में तुमको डाल दिया। 84 लग के जोनी में भटक रहे हैं, तन से दुखी, मन से दुखी, धन से दुखी, परिवार से दुखी, दुखी 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 हो रहे। अगर चार चीज को अगर सही कर लोगे ना, बस अपने आप सही हो जाएगा। हनुमान जी को देखो, तीन बार कहते हैं क्या,
रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीताराम, राम की चरण की सेवा देने वाली करें और क्या काम कर रहे। तुलसीदास मीराबाई क्या किया, जितने संतों का जीवन देखोगे अमर हो गए, क्या किया, प्रभु की भक्ति भजन किया है, भजन करने का नहीं था, अपना दुख किया, दुनिया का दुख भी उन्होंने दूर कर दिया है, दुख दूर करी, सारे दुख का जड़ है प्रभु का भजन हमने छोड़ दिया प्रभु। अगर वो एक चीज को सही कर दो ना और सारे चीज तुम्हारी सही हो जाएगी, सारे चीज तुम्हारी थोड़ा अलग अलग जो निकल रहा है उसको मलम पट्टी करने के लिए कोशिश करते हैं। मतलब क्या, एक दुख आया सोचते हैं ये दुख कैसे दूर हो जाए, सुख आएगा, अब देखना वो दुख दूर नहीं हुआ, दूसरे दुख आ गए, सोचते हैं दूसरे दुख को कैसे दूर करें, फिर तीसरे आ गए, एक ऊपर एक आती जा रही, क्यों, हम जड़ चीज को नहीं पकड़ रहे और जड़ चीज को भूल गए, असली चीज हमने भूल जाने का नाते जितने दुख है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं अत्याहार, अत्याहार मतलब होता है ऐसे माया में मत फंस जा, भजन भजन को साइड कर दो, केवल संग्रह संग्रह करने में जीवन को बिता दो, नहीं पहले सवेरे उठ करके नहा धो करके पहले तिलक करके अपना माला जप करके भजन करो, क्योंकि भाग्य में जो लिखा हुआ वो मिलेगा, बल्कि भगवान की भक्ति करते हुए जाओगे, भगवान के इतना करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है और तेरी कृपा से सारे काम हो रहा है, जो भाग्य होगा मिलेगा, लेकिन जब प्रभु का भक्ति करते हुए जाओगे ठाकुर का आशीर्वाद होगा तो बस एक मिनट में जितना मिल जाएगा ना सारा दिन काम करने पर बोले, अगर ठाकुर अगर देना चाहते हैं, ठाकुर अगर देना चाहते, इसलिए कहते अत्याहार है, कहते दूसरा है प्रयास, प्रयास मतलब होता है भगवान की भक्ति को छोड़ करके दूसरे चीज के लिए कोशिश करना है, कहते इसको कहते प्रयास, हाँ प्रयास करो जीवन में, इसलिए मीरा कहती ना पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, बस तो अमोल प्रदीम रे सदगुरु कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो है, बोले चोर नहीं लेवे लुटे नहीं जावे दीन दीन बढ़त सबायो, पायो जी मैंने राम, हाँ प्रयास करो चेष्टा करो, बोले किसके लिए, मीरा जी कहते हैं भगवान के प्रेम धन के लिए, भक्ति धन के लिए चेष्टा करो है, कैसे जीवन में हम प्रभु की प्रेम मिले भगवान की भक्ति मिले, इसी के लिए हमारी चेष्टा करनी चाहिए, और दूसरे चीज के लिए चेष्टा नहीं करनी चाहिए। लेकिन आप लोग हर गृहस्थी चेष्टा, भक्त जो चेष्टा करते हैं उसमें बुरा नहीं है, क्योंकि भक्त लोग जो भजन करते हैं वो क्या करते हैं, जो कुछ लाएंगे ठाकुर की सेवा करेंगे, लेकिन ये जो चीज है जो भक्ति नहीं करते उनके लिए बता रहे हैं, जो प्रभु की भक्ति नहीं करते हैं उनके लिए, जो भक्ति करता है उसको तो भावना पैसा के बगैर ठाकुर की सेवा ही नहीं होगा, अब जो करेंगे ठाकुर की सेवा के लिए करेंगे है, इसलिए इसके लिए कोई दोष नहीं, दोष है प्रभु की सेवा छोड़कर जो कर रहे हैं उनके लिए सारे दोष है। इसलिए भगवान ये नहीं कहते सब छोड़ो, भगवान कहते सब छोड़ो, भगवान नहीं कहते हर चीज को जोड़ो, हर चीज को मेरे साथ में जोड़ लो, छोड़ने का जरूरत नहीं, दिया किसने ठाकुर ने, तुमने थोड़ी चाहते काम है, काम कहते काम को छोड़ो नहीं जोड़ो, पहले गोपियों के अंदर में काम काम थी तब तो कृष्ण को पति रूप में प्राप्त किया है, हम जितना काम करते हैं अगर वो प्रभु की सेवा के लिए हो बस ये काम नहीं ये भक्ति हो गया है। क्रोध बोले छोड़ो, कहते छोड़ना नहीं जोड़ना, जो हनुमान जी क्रोध दिखाया कब दिखाया, लंका जला दिया, कोई संतों को लंका जलाते लेकिन उन्होंने लंका को पूरा आग लगा दी, इसलिए उन्होंने छोड़ा थोड़ी जोड़ा, इसलिए अगर कोई भक्ति की विरोध काम करते हैं अगर वहाँ क्रोध दिखाते उसमें कोई दोष नहीं, उसमें कोई दोष नहीं, लोभ कहते लोभ करनी चाहिए, जैसे आप लोग को जैसे आप कहाँ जयपुर आए, जयपुर से आए इसलिए आए, बोले भागवत कथा हो रही है, अगर सात दिन की कथा सुने, अगर लोभ नहीं होता तो आप आते ही नहीं, कहते लोभ करनी चाहिए, बोले किसके, बोले ठाकुर की कथा सुनने के लिए, प्रभु की भक्ति के लिए लोभ होनी चाहिए, तब वो लोभ सार्थकता हो गया ना, यहाँ पर आए कथा सुने भावना आई तभी प्रभु का भजन में मन लगाए है, लोभ इसी चीज में लगानी चाहिए, काम क्रोध लोभ मोह, बोले मोह कहते मोह भी बंधन का कारण है, हैं मोह भी बंधन का कारण, जैसे भरत महाराज ने मरते समय हिरण का चिंतन किया हिरण बन गए, मोह है, लेकिन कहते मोह किस में लगानी चाहिए, बोले भगवान की कथा, भगवान की गुणगान करने के लिए, कब भगवान की हम कथा सुनाएंगे ठाकुर की महिमा गाएंगे, मोह उसमें होनी चाहिए, इसलिए कहते ये हर चीज को प्रभु के भक्ति में जोड़ देनी चाहिए, इसलिए कहते हैं अत्याहार प्रयास, बोले प्रजल्प, प्रजल्प मतलब होता है भगवान की कथा छोड़ करके इधर उधर की दुनिया की बात नहीं करनी चाहिए,
अब जिसकी निंदा करोगे, जिसकी निंदा करोगे ना, क्या होगा, उसको सारे पाप आपको भर में आ जाएगा। मैंने कथा सुनाया था ना, कथा इसलिए कहते हैं ये किसकी चुगली निंदा नहीं करनी चाहिए, जिसकी चुगली निंदा करोगे उसका सारे पाप धीरे 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 वो तो पवित्र हो जाएगा और आपका ऊपर में ये सारे पाप आ जाएगा। छोटी सी कहानी सुनो, बोले एक समय कोई एक राजा था, कहते तो राजा ब्राह्मण को भोजन खिलाने के लिए तो उन्होंने दूध मंगाए, बोले दूध का खीर बनवाएंगे, मालपुआ, बड़े सुंदर सब्जी बनाएंगे, संतों को जिमवाएंगे हैं। उन्होंने दूध लाए थे, लेकिन जब उन्होंने दूध रख लिया ना, उनको पता नहीं चला रात में कोई सर्प, जहरीली सर्प आया, वो आ करके दूध में मुंह मार कर चला गया, उसमें अपना बीज को उगाड़ करके वो चला गया साफ, लेकिन राजा को पता नहीं चला रात है, लेकिन उससे बन गया खीर। खीर बना तो ब्राह्मण को खिलवाया, जब खिलाए ना, जितने ब्राह्मण खाए सबके सब राम नाम सत्य हो गया, सब सब मर गए। जब मर गए तो बड़े दुखी हो गए, ये भगवान हमसे इतना बड़ा पाप हो गया, लेकिन उन्होंने तो जानबूझ कर किया, अनजान में हो गया है। जब इतने ब्राह्मण मर गए, वो दुखी होकर के घर छोड़ कर के जंगल में चला गया, तो भगवान की भक्ति करके ये पाप कैसे खत्म कर दू, अनजान में इतने ब्राह्मण हत्या हो गया। जब बजने के लिए गया, इतने में एक ब्राह्मण आया राजा से, बोले महाराज घर में एक बेटी है, शादी देने का लायक हो गई, घर में पैसा नहीं है, आप पैसा दोगे? तो देखो मैं पहले जब राजा था देता था, अब तो घर छोड़कर भजने के लिए आया, अब मैं कहाँ से दूंगा, है कहाँ से दूंगा, मैं नहीं दे सकता। लेकिन एक दिन उसको एक दिन पहले क्या हुआ, स्वर्ग से जो अप्सरी उतरी, जो देव कन्या उतरी, उतर करके आपस आपस में चर्चा कर रहे हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं, बोले ये बताओ कि राजा से जो पाप हो गया, ये पाप को कौन ग्रहण करेगा, एक दूसरे से पूछ रहे हैं। दूसरे तो चिंता में पड़ गया, क्योंकि अगर कोई जान बुझ करके अगर कोई व्यक्ति पाप करता है उसको तो भोगना पड़ेगा, लेकिन उसको तो अनजान में हो गया ना, सांप आकर मुंह मार कर चला गया, खीर बनाया मर गया, इनको क्या पता था ऐसे हो गया, तो कुछ बोल नहीं सका। लेकिन क्या हुआ, दूसरे दिन ये ब्राह्मण जब आया आकर के कुछ जो पैसा मांगे, राजा बोले नहीं दे सकता हूँ, मैं तो छोड़ करके आया, इतने उसने गाली दिया, इतने गाली गलत जब लटोंगी, भजने के लिए आया दुष्ट, इतने साधु को इतने ब्राह्मण को जहर खिलाकर मार दिया, मार कर ढोंगी बना करके आग बंद कर भजने के, तेरे को घोर नरक भोगना पड़ेगा, नया नरक तेरे के तैयारी, इतने गाली दिया, बोले मेरे बेटी की शादी के लिए थोड़ा पैसा नहीं, इतने गाली गलौज किया, इतने गाली गलौज किया करके चला गया। जब चला गया फिर दूसरे दिन फिर दो देवकन्या आए, तो एक दूसरे से फिर पूछा, बताओ इसका पाप को कौन ग्रहण करेगा, वो कहते काम हो गया है, क्या क्या काम हो गया, बोले क्या हो गया, बोले वो ब्राह्मण आकर खूब गाली गलौज कर गया ना, जब उसकी निंदा जैसे गाली गलौज कर गया, इसका जितना पाप था ना वो पाप उसको पर चला, अभी राजा निष्पाप हो गया है। इसलिए कहते हैं प्रजल्प, प्रजल्प मतलब होता है भगवान की कथा को छोड़ करके दूसरे बात को बोलना, दूसरी की निंदा करना और दूसरी बात को बोलना। इसलिए भागवत कहते हैं जीव असति दार्द्रिक एव सुत न च उपगायते गुरु गाय गाता, मतलब जिनको भगवान ये मानव शरीर दिया लेकिन ये जीवा दे दिया, लेकिन जो व्यक्ति इसी जीवा से प्रभु का नाम कीर्तन नहीं करता है, भगवान की कथा नहीं बोल करके इधर उधर की बात करते हैं, कहते वो जीवा की है कैसे है, कहते मढ़क का जीवा है, है? जीवा को मढ़क, जैसे मढ़क टटर करता है, सांप आकर के धीरे 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 उसको निगल लेता है। जब हम भगवान की कथा छोड़ कर दूसरे बात करते हैं, ये काल ऊपर में प्रतीक्षा कर रहा है, वो धीरे 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 राग हमें निकल करके खा जाएगा, है? इसलिए यहाँ पर कहते हैं जीवा असती, क्या कहते हैं, कहते इसका जो जीवा असती मतलब सती नहीं, कहते हम सती किसको कहते हैं, जो अपना पति को सेवा करता है वो सती, असत्य किसको कहते हैं, जो अपना पति को छोड़ करके दूसरे पुरुष को सेवा करते वो असती है। कहते ये जीवा सती का बनेगा, ये जीवा सती का बनेगा, कहते हमारी जो असली जो पति परम पति जो भगवान है, हैं तुम्हें वो माता चो पिता तुम्हें वो, हमारे जो असली पति कौन, भगवान कृष्ण है। कहते ये जीवा की केवल एक ही कर्तव्य है
केवल कृष्ण की गुणगान कर, क्योंकि वही तुम्हारी पिता माता भाई बंधु वही है। इसलिए केवल तुम्हारी असली जो पति कृष्ण है, हैं? जब कृष्ण पति है जीवा का कर्तव्य उसकी गुणगान करना। लेकिन जब ये जीवा कृष्ण कथा छोड़ करके जब दूसरी कथा करता है ना, कहती है जीवा असती, वो क्या हो गई, वो असती हो गई, वो वैश्या हो गई जीवा। क्यों? प्रभु को गुणगान करके दूसरे का गुणगान करते है, इसलिए जीवा असती। इसलिए कहते हैं ये जीवा का प्रजल्प, ये जीवा को द्वारा क्या करनी चाहिए, इधर उधर की बात नहीं करके 84 लाख जोनि के बाद में एक बार ये जीवा मिला, भगवान बारंबार ये जीवा नहीं देंगे, इसी जीवा से हम भगवान की कीर्तन कर सकते हैं, हैं? और कीर्तन करके संसार से मुक्त हो सकते हैं, इसलिए हमें प्रज्वल को नहीं करनी चाहिए। बोलो, बोलना इच्छा है ना, इसलिए तो महाप्रभु बोले 1 लाख हरिनाम करना दिन भर, ज्यादा बोलने की इच्छा ना, कुछ लोग का स्वभाव होता है दिन भर बोलते बोलते बोलते, ज्यादा बोलोगे ना माला लेकर बैठे प्रभु का नाम करो, मैं तो दूसरों की भगवान की कथा सुना, दूसरों को ठाकुर की कथा सुनाओ, इसलिए प्रजल्प नियमाग्रह। नियमाग्रह मतलब होता है कभी कभी कोई कोई व्यक्ति ज्यादा नियम कर लेते हैं। कल वो प्रभु जी आग्रह बोल रहे थे पत्नी के बारे में, ये इतना सारे व्रत करती हैं, इतना सारे दिया जलाती हैं, इसलिए कुछ कुछ लोग हो जाते हैं ना, वो इतने अपना जो नियम को अपना नियम में इतना आग्रह, इतना बार नहाना, इतना बार करते 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 बस भजन भजन कर गया। अपना नियम में ज्यादा बहुत सारे नियम में आग्रह नहीं करनी चाहिए, एक नियम आग्रह करो, हम भगवान की सेवा करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, उनकी नाम करेंगे, हैं? यही एक नियम पकड़ लो। दुनिया के सारे दूसरे नियम में आग्रह करके असली नियम तो गया और दूसरे नियम में लग गया। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं, जो गीता का सर्वश्रेष्ठ उपदेश है, गीता का सर्वश्रेष्ठ उपदेश क्या है, कृष्ण कहते हैं अर्जुन अभी तक मैंने तुमको गुह्य गुह्यतर और गुह्यतम सारे बात मैंने बता चुका हूँ, गुड़ से भी गुड़ बात बता चुका हूँ, चूंकि तुम मेरी अभी सखा है, अभी मैं तुमको सर्प गुह्यत हूँ, तो सबसे जो गोपनीय बात मैं तुमको बता रहा हूँ, बस इतना अपना तो बस हो गया था। इतने चीज को कृष्ण खुद कहते हैं गीता का जो सर्वश्रेष्ठ सार तुमको बता रहा हूँ, क्यों, चूंकि तुम मेरे दोस्त हो। अब देखना एक दोस्त ना, एक दोस्त के पास में मन की बात बोल देता है, अब कभी कभी होगा परिवार में भी जो बात नहीं बोल सकता, जैसे परिवार में पत्नी के साथ लड़ाई, बच्चों के साथ बनता नहीं, अब देखना परिवार में इसे बात वो नहीं बोल सकता है, लेकिन अपना दोस्त को बोल देता, बोले दोस्त करे तो क्या बताऊं, ऐसे कुछ बात जो घर में किसको मैं बोल ही नहीं सकता, जो बात मैं तेरे को बोल सकता हूँ दोस्त को बोल देता है ना। इसलिए कृष्ण कहते हैं अर्जुन चूंकि तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए अभी मैं गीता का सर्वश्रेष्ठ बात बता रहा हूँ, ये सर्वश्रेष्ठ उपदेश है, बस इतने को अपना लो, बस कल्याण हो जाएगा। क्या उपदेश है, बोले मन में ना लगो, मन और किसी को मत दो, मन केवल मुझे मत भक्त भव, और किसका भक्त मत बनो, आज इसी देवता का भक्ति, उसी देवता का भक्ति नहीं, सारे छोड़ो, छोड़ करके प्रणाम, जैसे कहीं जा रहे हो, कहीं मंदिर आया, वहाँ प्रणाम कर सकते हो और उनसे भगवान की भक्ति मांगनी चाहिए। हम लोगों को ना नहीं आरती तो आरती करने लगे आरती ठाकुर को करेंगे, फिर उनको आरती दिखा दो, उनको आरती दिखा दो, पहले प्रसाद प्रसाद लेकर के क्या है ना, हम जो मंदिर में ना प्रभु जी, हम जो मंदिर के अंदर में ये कृष्ण के सिवाय हम और किसको रखते नहीं, अब राधा रानी रखो, राधा कृष्ण रखो, क्योंकि तो राधा रानी है, ये चीज को समझ लो, दिमाग में बैठा हो, ये जगत में जितने शक्ति कहाँ से आई है, कहते उमा रमा सत्या सची रुक्मिणी काली दुर्गा, ये कौन है, कभी ये राधा रानी का प्रकाश है, सबके सब राधा रानी का प्रकाश, जब प्रकाश है, जब हमने राधा रानी की पूजा कर ली, क्या हो गया, तुम्हारी ये सब देवी का पूजा हो गई। कृष्ण कौन है, विराट रूप दिखाया ना, सारे अवतार मेरे, सारे देवता, जब हम कृष्ण को प्रणाम किया, क्या सबका पूजा अपने आप हो गया, क्योंकि उनका अंदर सब कुछ है, हैं? जब उनकी पूजा हो गई सभी देवता की, फिर कितने पर एक एक कर कितने की पूजा करो, नहीं, नहीं,
हम लोग ना इस सब चीज नहीं, जैसे अष्टमी पे जब वो बनता है ना तो थोड़ा वो रिवर बन करते हैं इसलिए देखो अभी आपको अभी शास्त्र ग्रंथ में आपको अभी प्रवेश नहीं है, इसलिए एक ब्रह्म संहिता ग्रंथ है, आप वो ब्रह्म संहिता ग्रंथ को पढ़ो, उसमें बताया शंकर जी कौन है, ये देवी मैया कौन है, ये गणेश जी कौन है, ये सब देवा देवी कौन है, उसमें सारी चीज को एक एक करके बताया है, ये सब सब कौन है। जैसे उदाहरण दिया ना, देखो भागवत का श्लोक है, बोले जथा तरूर मूलम निसेचन तृप्त तत् स्कंध भोज उपसर्ग। उदाहरण देकर बताए, जैसे कि पेड़ है, अच्छे तरह से दिमाग में बैठा है, जैसे कि पेड़ है, जब पेड़ का जड़ में जैसे पानी देने से ये सारे पेड़ हरा भरा हो जाए, उसको पत्ते फल फूल में पानी देने का जरूरत है। अगर कोई व्यक्ति जड़ में पानी नहीं दे, उसको दिन भर फल को धोते रहे, उसकी पत्ते को धोते रहे, उसकी फूल को धोते रहे, देखना दिन भर धोते रहो, वो पेड़ मर जाएगा, पेड़ मर जाएगी। क्यों? तुमने जड़ में पानी नहीं दिया है, जड़ में तुमने पानी नहीं दिया। फिर कोई कोई प्रश्न कर सकता है, बोले देखो जो माली होता है ना, आप देखना कभी कभी वो जड़ में भी पानी देता है और ऊपर में भी थोड़ी पेड़ को ट्रांसिक्शन कर देता है, करता कि नहीं? जड़ में भी पानी देता है, ऊपर में भी थोड़ी थोड़ी पानी दे देता है। इसी का मतलब है हम कृष्ण को भी भक्ति करेंगे, राधा कृष्ण की, और दूसरे दूसरे देवा देवी को थोड़ी थोड़ी पूजा कर ले। फिर दूसरे उदाहरण में दिया, बोले प्राण उपहाराश्च जथेन्द्रियाणाम। जैसे मुंह में खाना देने से, जैसे रोटी चावल सब्जी जब मुंह में देते हैं, क्या हो जाता है? आंख भी देखने लग जाती है, कान भी सुनता है, हाथ काम करता है। अगर कोई व्यक्ति प्राण मतलब मुंह में आहार नहीं दे करके अगर कोई कानों में पे थोड़े हाथों में तो रोटी दे दे डाल दे दे, जिंदा रहेगा इंसान? जिंदा नहीं रहेगा, जिंदा नहीं रहेगा। क्योंकि उसी तरह जैसे प्राण में आहार देने से मुंह में पूरा सारी इंद्रियां तुम्हारी सजीव रहता है, तथैव उसी तरह सर्वआहरण। सर्वआहरण मतलब क्या है? 33 करोड़ देवता जिनकी पूजा करते हैं, उमा रमा ब्रह्मा है, इस सनकादि जिनकी चरण की सेवा करते हैं भगवान की, जब अच्युत, अच्युत मतलब इसका कभी च्युत नहीं होते हैं, जब उनकी सेवा उनकी भक्ति करते हैं, ये 33 करोड़ देवता प्रसन्न अपने आप होता है, सब खुश हो जाते। क्यों? जैसे पेड़ का जड़ में पानी देने से पूरा पेड़ हरा। लेकिन अभी जिनको विषय पर विश्वास नहीं होता है ना, फिर क्या करते हैं? इनको पास जाएंगे, उनको पूजा करेंगे, उनको पूजा करेंगे, पास सबको, क्योंकि उनको भी विश्वास नहीं, ये कृष्ण के अंदर में 33 करोड़ देवता भी है इनके अंदर, फिर क्या करेगा? आज इसको थोड़ा पूजा करेगा, कल उसको पूजा करेगा, बस इधर। इसमें उसमें क्या होता है ना, एकनिष्ठ की हानि हो जाती, एकनिष्ठ की हानि हो जाती है। इसलिए कहते हैं मन मना भाव, इसलिए कृष्ण लास्ट श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज, सब छोड़कर मेरे चरण में आ जा, बोले पाप नहीं लग जा। कोई बोलेगा ना, इतना दिन से देवी की हम पूजा कर रहे थे, इतना दिन से गणेश जी की पूजा कर रहे थे, इतने दिन इनको पूजा कर रहे थे, कृष्ण कहते हैं सारे धर्म परित्याग करके मेरे शरण में आ जा, तब पाप नहीं लगेगा? हमारा मन बता, हमारा पुत्र इधर उधर हो जाए तो देखो कृष्ण क्या कहते, अहम त्वा, मैं तुमको सर्व पापेभ्यो, जितने सारे पाप से मैं तुमको मुक्त कर दूंगा। मां सोचो, कोई चिंता मत करो, कोई चिंता मत करो हैं। जैसे विभीषण केवल एक राम शरण में आया, जब राम शरण में आ गया, जब शरण में आ गया ना, भगवान राम उसको रास लगा दिया, आज से लंका का राजा तू। अभी रावण को मारे ही नहीं, प्रभु रावण को मारे ही नहीं, लेकिन केवल प्रभु राम की शरण में आने पर प्रभु उसको रास तिलक लगा दिया, आज से लंका तेरा है, भगवान उसको ही दे दिया। लेकिन रावण ने क्या किया था, जब हनुमान जी गए, देखा घर में वायु झाड़ लगा रहे हैं, अग्निदेव कपड़ा धुलाई कर रहे हैं, ब्रह्मा वेद स्तुति सुना रहे हैं, काल को पैर को नीचे दबा करके बैठा हुआ, जितने रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि जितने ग्रहों को बांध करके रखा। अब देखेंगे नहीं, जब हनुमान को इंद्रजीत ले गया रावण के पास में खड़े हुए, देखना वहां पर सीन को देखा ना, हनुमान चारी तरफ में देख रहे हैं, सारे देवता को बांध करके रखा, उस घर में शंकर जी बैठे, लेकिन कोई मत पूरा क्या नहीं किया, लेकिन विभीषण किसी को नहीं, एक राम शरण में आ गया तो सारे लंका का राजा वही बन गया, और लंका ध्वंस हो गया, लंका ध्वंस हो गया, लंका है। ये सब चीज को सिखिया देते,
इसलिए जब प्रभु, इसलिए कृष्ण यहाँ दबा करके बात कर, बोले मन मना भैया मत मन, और मत किसको मत, मन तो दो नहीं ना, मन कितना है यहाँ भाई पता, मन कितने है, एक ही है ना। जब मन जिसको तो एक को तो दे सकते, दो को तो दे नहीं सकते ना। मत भक्त भवो, और किसका भक्त मत बनो, मेरा ही भक्त माँ पूजा जी। पूजा किसको करेंगे, कहते माँ मेरे को पूजा करो, माम नमस्कुरु। तो नमस्कार किसको करेंगे, प्रणाम, बोले माम मेरे को। कहते तेरे को करने से क्या होगा, देखो इस चीज को समझो कृष्ण क्या कह रहे, बोले मेरे को करना माम ए ससी अर्जुन, तो मुझे प्राप्त करो। बोले तेरे को प्राप्त करना, दूसरों को प्राप्त में क्या फर्क है, कृष्ण क्या कहते, बोले आप ब्रह्म भुवन लोकात पुनरावर्तन अर्जुन, जगत का जितने पुण्य कर्म करके तुम अगर ब्रह्म लोक में भी चले जाओ, कितना पुण्य अर्थ लोक विचरती, पुण्य खत्म होते फिर वहीं से ही रहो, फिर इसी चक्कर में पड़े जाओगे। लेकिन माम उपतु तो कमते है अर्जुन, जब तुम मुझे प्राप्त करोगे ना पुनर्जन्म नहीं देते, फिर संसार में तुम्हें जन्म लेना नहीं पड़ेगा। ये फर्क, फल मिलेगा तो इधर उधर करने से, लेकिन वो फल है अनित्य फल मिलेगा, नित्य फल तुमको नहीं मिलेगा, वो अनित्य फल मिलेगा है। इसलिए ये विश्वास हमारी होनी चाहिए भगवान कृष्ण के अंदर में, ये सब के सब कृष्ण के अंदर में ही है, है? ये सारा दुनिया उसके अंदर में, अगर वो संतुष्ट हो गए ना, जैसे मोदी प्राइम मिनिस्टर है, मोदी प्राइम मिनिस्टर देखा किसको जल मंत्री बना दिया, किसको अग्नि मंत्री बना दिया, किसको रेल मंत्री बना दिया, किसको अलग अलग उसने मंत्री पद में उन्होंने दूसरे दूसरे को पोस्ट कर दिया, लेकिन लगाया किसने, मोदी ने दिया, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर भारत का है, है? जब कोई व्यक्ति मोदी को पास में आ जाता है ना, जब कोई व्यक्ति मोदी को पास में आ गया, बस मोदी खुश हो गया, सब खुश हो जाए, है, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर है। इसलिए जो कृष्ण है ना, ये प्राइम मिनिस्टर कृष्ण है, जब इनको पास में आ गई, बस इनका आदेश देने पर सारे काम इनके आदेश पर, अपने आप इनके आदेश पर सारे काम हो जाएगा। इसलिए ये चीज हमको अभी ग्रंथ पढ़ करके सुन करके संतों का संग करते 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 ये चीज को अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये चीज को समझना पड़ेगा। और दूसरे देवादेवी जो वस्तु हमें देते हैं ना, वो दो दिन बाद नष्ट हो जाता है, वो चीज नहीं रहता है। रावण को 10 सर मिला, रावण को 10 सर मिल गया ना, रावण को 10 सर मिल गया ना, सोने की लंका मिल गया, लेकिन रहा खत्म हो गया। लेकिन जब भगवान राम जिसको जो चीज देंगे ना, वो खत्म होने वाले नहीं, भगवान कृष्ण जो चीज देंगे परमानेंट चीज देंगे, वो अनित्य वस्तु नहीं देते हैं। भगवान जब देते हैं, कहते ना ठाकुर जब देते नहीं, देते नहीं, जब देते छप्पर फाड़ कर ठाकुर देते हैं, और वो चीज जब दे देंगे ठाकुर जी, वो नष्ट कभी नहीं होगा, वो नष्ट होने वाली चीज ठाकुर जी नहीं देते, ऐसे चीज देते जो परमानेंट चीज देते, तो है वो दो दिन का वस्तु ठाकुर जी देते नहीं। भगवान कभी भक्तों को बहकाते नहीं, ध्रुव जी को दिया है या नहीं दिया बताओ, पूरा पृथ्वी के राज्यों तक दिया, यहाँ तो दिया ही, उसको बाद में चिरकाल के ध्रुव लोग बैकुंठ, भगवान ने अलग बैकुंठ बनाया, बोले कि बैकुंठ का बात सर, उसको बाद में ये बैकुंठ का जिंदगी भर के लिए रहोगे, मरोगे नहीं, कभी कभी मरोगे नहीं तुम। इसलिए भगवान का जितने भक्त ना सब अमर हो गए, सबके सब, सबके सब अमर तो प्राप्त किए जो केवल भगवान की भक्ति की, कृष्ण राम की भक्ति की। और देवादेवी का जितने सारे शास्त्र पढ़ उठा उठा कर देखो, दो दिन बाद में थोड़ी देर में मिला, अहंकार अभिमान आया, उल्टा पुल्टा काम करने लगे, दारू पीने लगे, मांस खाने लगे, अत्याचार करने लगे, देवादेवी से जो संपत्ति मिलती है ये दुष्ट पर भगवान के हाथ में भरे, सबको सब लाश। लेकिन भगवान की जो भक्त हुई है ना, कभी उनके अंदर अहंकार अभिमान नहीं आया। जितने भक्तों का नाम ध्रुव प्रहलाद किरा तुलसीदास, जितना नाम सब सुनोगे ना हनुमान जी, देखो प्रभु का भक्त शांत धीर स्थिर एकदम चरित्र पवित्र एकदम, जिनका नाम लेने पर मन पवित्र हो जाता है, ये फर्क है, है? ये सब फर्क। इसलिए कहते हैं क्या, बोले अत्याहार पर प्रज्वल नियम आग्रह जन संघर्ष लौलच सड़वी भक्ति विनसती जन संघर्ष। देखो यहाँ पर कहते हैं हमें किसकी किसकी संग करनी चाहिए, कहते हमें संग भक्तों की संग करनी चाहिए, है? भक्तों की संग करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर में भक्ति की रंग चढ़ने लग जाएगा, और उल्टा पुल्टा संगत में बैठोगे तो जिसका संगत में बैठोगे फिर धीरे धीरे उनका रंग तुम्हारे ऊपर धीरे धीरे आने लग जाएगा, है? देखो गुरु जी कथा सुनाते थे, बोले एक बैल या दो तोता एक घोंसले से पकड़ा, उसने बेचने के लिए लाए, जब बेचने के लिए लाए, एक तोता तो चला गया
कहते किसी डाकुओं ने चोरी, उसको डाकुओं ने खरीद करके ले गया। एक तोता को साधु ले गया, तो ले गया। इतने में एक दिन एक राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गया था। अब उसको प्यास लग रहा था, अभी वो पानी ढूंढ रहा था। पानी ढूंढते ढूंढते वो जो डाकुओं को घर को सामने जो तोता था ना, जब उसने वहां पर पहुंचे, इतने में तोता चिल्लाने लग गया, बोले पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, पीटो पीटो, छीन लो। राजा ने देखा भैया तोता ऐसे क्यों कह रहा है, पकड़ो पकड़ो, मारो छीनो। तो समझ गए जरूर इसी घर में कुछ बदमाशी गुंडे लग रहे थे, क्यों दिन भर यही कहते हैं ना, दिन भर ही कहते पकड़ो छीनो मारो पीटो। अगर जिस घर की तोता ऐसे बोल सकता है वो आदमी कैसे होगा। वो राजा पानी क्या पिएगा, और वहां से भागे। भग करके थोड़ी दूर गए तो देखा और एक कोई कुटिया है, उसका सामने भी एक तोता। जब वहां पर गया ना, जाते ही वो तोता बोलना शुरू कर दिया, स्वागतम, हरे कृष्णा, राधे राधे, राम राम, आओ बैठियो, मीठा पानी पियो, यहाँ पर स्वागत कर रहा है। अरे भैया ये तोता इतने मीठी बोली बोलता है, आओ बैठो, मीठा पानी पियो, राम राम, कृष्ण कृष्ण। तो ये घर की माली कैसे नहीं होगा। सचमुच देखा एक साधु घर से आया, घर से निकल करके आया। वो तोता की जितने मीठा व्यवहार था उससे भी मीठा व्यवहार था वो साधु को। वहां पर बैठा है, मीठा पानी पिलाया, सुंदर सुंदर ठाकुर की कथा सुनाए, राजा का दिल शांत हो गया। तो राजा ने पूछा भैया ऐसे कैसे, दो तोते तो एक घोंसले से आए, लेकिन इतने परिवर्तन कैसे हुआ। बोले ये हमारी कोई दोष नहीं है, संगत का दोष है। ये किसका दोष है, संगत का दोष है। जैसे संगत में बैठोगे ना वैसे धीरे धीरे उनका रंग भी धीरे धीरे तुम्हारे अंदर में उसका रंग भी चढ़ना शुरू कर देगा है। इसलिए कहते जन संगश्च है, जो जन संग है किसके संग करो, भक्तों का संग करो। इसलिए बोले बिनो सत संग विवेक न होई, राम कृपा बिनो सुलभ न सोई। जब तक भगवान की कृपा नहीं होता है तब तक जीवन में साधु संग नहीं मिलता, और जीवन में साधु संग मिल गया तो क्या समझो, संसार पार होने का समय आ गया, और संसार का दुख कष्ट हमें उठाना नहीं, ठाकुर अपना चरण में हमें स्थान दे, उनके चरण में हमारी स्थान हो जाएगी, अपना घर में हम चले जाएंगे, अपना घर में वापस चले जाएंगे, जहाँ जाने से रोग शोक दुख कष्ट जन्म व्याधि जहाँ पर कुछ नहीं, जहाँ आनंद आनंद ही है। इसलिए कहते हैं जन संघर्ष, इसलिए उल्टा पुलटा संगत नहीं करनी चाहिए। लवलंच कहते लोभ नहीं करनी चाहिए, लोभ करनी चाहिए किस चीज में, साधु संग हरि कथा, कब हम संतों का संग मिले, कब हम भगवान की कथा है। और ज्यादा लोभ करेंगे, पहले लोभ तो बड़बड़ी चीज है, लोभ करनी चाहिए भक्ति के लिए लोभ करो, लेकिन अगर लोभ करते हो भगवान की सेवा के लिए पैसा चाहिए, अगर उसके लिए लोभ करते हो भगवान की सेवा के लिए तब ठीक है, लेकिन प्रभु को ठाकुर को सेवा छोड़ करके अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए लोभ करते हो गर्व। इसलिए लोभ होनी चाहिए ठाकुर की भक्त संग के लिए, लोभ होनी चाहिए है। ये लोभ सबसे बड़ा चीज है, ये चीज है। इसलिए कहते हैं तत्र लौल्य मूल्य मिकलम कोटि सुकृति रत्न लभ्यते, कृष्ण रस भाविता मृत क्रियताम कुत्तापि यदि लभ्यते। लोभ हो किस चीज में, शुद्ध भक्तों का संग में लोभ हो, कब, जैसे भागवत कथा करवाए घर में, लोभ इनका हुआ घर में भागवत कथा हुआ, कथा सुने तो कितने लोगों का परिवर्तन हो, कितने लोगों का लाभ हुआ, लाभ हो साधु संग में हरि कथा में लोभ होनी चाहिए है। इसलिए गंदी चीज में लोभ हमारी होनी नहीं होनी चाहिए, कभी कभी लोभ कभी कभी मृत्यु का कारण ये लोभ बन जाता है, मृत्यु का कारण कभी कभी ये लोभ बन जाता है। अगर प्रभु की भक्ति के सिवाय कोई दूसरे चीज में अगर लोभ आए, लोभ के लिए कभी कोई पाप कर्म गुंडागिर्दी चोरी डाकू करना शुरू कर देते हैं, अगर पकड़े गए तो जिंदगी भर के लिए जेल हो गया, जिंदगी भर के लिए जेल भोगना पड़ा। इसलिए लोभ हो भगवान की कथा में, भक्ति में, भगवान के प्रेम में लोभ हो, तभी जीवन हमारी सार्थक। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं छह चीज को छोड़ो और छह चीज को जोड़ो। इसलिए ये छह चीज को हमें त्याग देनी चाहिए और छह चीज को जोड़नी चाहिए। छह चीज कल क्या था, कल हमने सुना था क्या था, कहते पहला नंबर उत्साह, हमारे भक्ति में उत्साह रहनी चाहिए, निश्चय मतलब निश्चित रूप में भगवान हमें मिलेंगे। तत्त कर्म कर्म प्रवर्तना, जो काम करने से प्रभु का भक्ति प्रेम बढ़ेगा उसको करनी चाहिए।
संगत त्यागा, असत संगत त्याग है, संगत सत्व वृत्ति, पहले पहले साधुओं ने जैसे जैसे भजन किया उनका भजन आदर्श को देख करके हमें भी धीरे धीरे भक्ति मार्ग में, हमें भी धीरे धीरे भक्ति मार्ग में चलनी चाहिए। कभी छह चीज को छोड़ो, छोटे छह चीज को जोड़ो और छह चीज को छोड़ो, बस जीवन में प्रभु की प्रेम और प्रभु की भक्ति हमें जीवन में प्राप्त हो जाए। ठीक है, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। इसको बंद कर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि।